माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से इस श्रृंखला में भक्तों के पावन चरित्र का जो श्रवण कर रहे थे, इसी श्रृंखला में भगवान की परम भक्ता कर्मावाई उनके पावन चरित्र का हम आज श्रवण करेंगे। यानी भक्ति पानी है तो भोला बनना पड़ता है। एक बच्चे के जैसा अंतःकरण होता है, उसे कुछ अच्छा बुरा पता नहीं होता, वैसे ही भगवान का भक्त होता है। वो केवल प्रभु को अपना समझता है और अपने आप को प्रभु का समझता है, बस इतना भाव उसके अंदर होता है। छोटी सी कहानी है, कर्मावाई का पवन चरित्र श्रवण करें उससे पहले छोटा सा कथानक है। गोपाल नाम का एक किसान था और उसकी पत्नी दामिनी, दोनों बहुत अच्छे से जीवन यापन करते। प्रतिदिन अपने खेती का काम करके गोपाल जो था गईयां चराने पहाड़ पे जाता। उसकी पत्नी जो भी घर में पकता, बाजरे की रोटी अचार आदि नॉर्मल गांव में ऐसा ही होता है, तो उसको बांध के दे देती, वो जाता। रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति पड़ती थी। उसके मन में आया कि भगवान प्रतिदिन मैं यहाँ से जाता हूँ, अपने लिए बांध के लाता हूँ, भगवान को कभी मैंने भोग अर्पण नहीं किया। तो विचार मन में जैसे आया, यानी भक्ति अंदर जागृत हो गई। भगवान कब किसको कहाँ जगा दें किसी को पता नहीं, केवल गाय चराने के भाव से वो जाता था। अब भगवान की रास्ते में प्रतिमा को देखा तो मन में आया कि प्रभु को मक्खन तो बड़ा प्रिय है, तो माखन का भोग लगाना चाहिए। तो जो प्रिय वस्तु जिसकी होती है, जब उसे हम देते हैं तो अति प्रसन्नता होती है और वो व्यक्ति संभाल के रखता है उसको। ऐसे ही मक्खन भगवान को बहुत प्रिय है। पत्नी उनकी मक्खन बनाती, एक दिन घर में जाके बोला कि आज गैया चराने जाऊंगा, थोड़ा सा मक्खन भी रख देना। पत्नी बोली, किसके लिए मक्खन चाहिए? बोले, भगवान की एक प्रतिमा पड़ती है रास्ते में, आज मैं भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाऊंगा। पत्नी तो पत्नी है, रख दिया। लेकर के गया, मटकी रख दी ले जाके भगवान के साथ, और गैया चराने आगे निकल गया। बड़ी श्रद्धा से समर्पित किया कि प्रभु जैसा भी है आपके चरणों में समर्पित, आप इसे ग्रहण कर लेना। ऐसा बोल के वो चला गया। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उसकी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, सहज भाव से प्रभु को अर्पित कर दिया। लेकिन वर्तमान में शिष्यों को देखा जाए तो एक लंबी लिस्ट होती है। मंदिर में जब हम जाते हैं, आरती भी जो की जाती है उसमें भी केवल डिमांड है भगवान के आगे। कहते तो हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर ऐसा होता नहीं है। मंदिर से निकलते ही सब मेरा और अपना नजर आने लग जाता है, पर इसने सहज भाव से दिया। प्रभु को बड़ा दया आई। दिन भर काम करता, अपना जो भी होता गैया चराता, वापस लौट के जाता तो मटकी खाली उठा के ले जाता। अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि भगवान इस भोग को स्वीकार करते हैं, और वास्तव में प्रभु ने उसे ग्रहण किया। प्रतिदिन का नियम बन गया। एक दिन भगवान को दया आई कि इसको मतलब दर्शन देना चाहिए। अब प्रभु जिसे दर्शन दे दें उसका तो कहना ही क्या। गोपाल को प्रभु के दर्शन हुए तो गोपाल को बड़ा दया आ गई भगवान को देख करके। बोला, प्रभु आप हर वक्त हर पल अपने भक्तों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, क्षणिक भी विश्राम नहीं करते, थोड़ा आप विश्राम कर लो। भगवान मुस्कराए, उसकी बात को सुना, बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो मैं करता हूँ आज आप करके देख लो, फिर आपको पता चलेगा। तो बोला, कैसे करूँ प्रभु? तो भगवान ने कहा कि ये पेड़ है, इसके पीछे आप बैठ जाना और भगवान की जो भी कोई आए कुछ न बोलना, केवल मुंह होकर के सारा दृश्य देखना। बोले, ठीक है। बैठ गया। तभी वहाँ से एक साहूकार निकला, सेठ, धनी, पोटली पैसों की भरी साइड में वहीं पर रख लियो, प्रभु को प्रणाम किया। अब भगवान को जब प्रणाम किया तो वो पोटली वहीं पर भूल गया और सीधे निकल गया। अब ये चुपचाप सब देख रहा है। प्रभु ने कहा कुछ नहीं बोलना। बोले, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वहाँ पर एक जो था गरीब आया, उसके घर में बेटी का शादी था, उसको तो धनी चाहिए। अब भगवान की प्रतिमा देखी तो डिमांड तो करना स्वाभाविक था। उसने भी अपनी स्वीकार कर ली, अर्जी को लगा दिया। आंख बंद करके जैसे ही उसने आंखों को खोला, देखा कि सामने एक पोटली रखी है।
अब उसको नहीं पता ये किसकी है। भक्त तो केवल भाव से ही देखेगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, ये उन्होंने ही किया है। अब ऐसा जब देखा तो वो पोटली उठाया और लेकर चल पड़ा। अब साहूकार जो था दूर चला गया। बाद में उसको याद आया कि मैं पोटली तो वहीं भूल के आ गया। अब वो लेने के लिए वापस आया। उसी समय एक लोहार मंदिर में वहाँ पर प्रतिमा के सामने आया हुआ था, प्रभु से प्रार्थना करता है। तो जब उन्हें पैसे की याद आई तो वो साहूकार वापस आया और लोहार को पकड़ लिया। बोले, तूने ही मेरे पैसे चुराए। अब लोहार बेचारा, उसे कुछ नहीं पता। अब जो गोपाल देख रहा था शांत चित्त होकर के सब कुछ, उससे रहा ना गया। बोले, तो निर्दोष व्यक्ति फंस जाएगा, पैसे तो वो किसान लेके चला गया। अब उससे रहा ना गया, बोल पड़ा कि इनको छोड़ दीजिए, निर्दोष हैं, आपके पैसे एक गरीब किसान आया था वो ले गया, तो वो कहाँ है? बोला, ज़्यादा दूर ना होगा, आप जाके पकड़ लीजिए। वो गया, किसान को पकड़ा, पोटली ले ली। इतने में क्या हुआ, किसान बड़ा दुखी। बोला, भगवान ये क्या हुआ, बेटी की शादी है, क्या करे, कोई व्यवस्था नहीं। किसान ने अपने आप को, शरीर को त्याग दिया। अब ये बात भगवान तो अंतर्यामी, सब पता हो गया। गोपाल वहीं खड़ा है, भगवान प्रकट हुए। बोले, गोपाल ये क्या किया तुमने, तुम्हारी वजह से एक भोले भाले भक्त का शरीर छूट गया। बोले, भगवान ये जो निर्दोष व्यक्ति था वो भी तो मारा जाता, इसलिए मैंने इसको बचाने के लिए ये क्या। बोले, आपने सही बात कही, लेकिन ये पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो चली गई उसे दोबारा कैसे ला सकते हैं। तो वो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, इसलिए कभी प्रभु के ऊपर टिप्पणी नहीं करना। ऐसे ही भगवान की परम भक्ता कर्मा बाई, जिनका आज हम पावन चरित्र श्रवण करेंगे। कर्मा बाई बड़ी भोली भाली थी, किसान की बेटी। पिता उनके परम भक्त थे, प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पण करते, श्रद्धा से पकाते। कर्मा बाई छोटी सी बालिका, उन्हें कुछ नहीं पता। पिता को एक दिन तीर्थयात्रा के लिए जाना था। खिचड़ी पका के रख गए और बेटी को सारा समझा के गए कि मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ पर जा रहा हूँ, आप प्रभु को भोग लगाना और घर का भी ध्यान रखना। कर्मा छोटी थी, बड़ी समझदार। बोली, ठीक पिताजी, आप चिंता ना करें, जैसा बोला मैं वैसे ही करूँगी। कर्मा पिता के कहे अनुसार भगवान के लिए प्रतिदिन भोग तैयार करती और बड़ी श्रद्धा से पकाती। छोटी सी बालिका, कुछ पकाना नहीं आता, केवल खिचड़ी। खिचड़ी को पकाती और भगवान के मंदिर में रख दी। बोली, प्रभु आप भोग लगाइए, तब तक मैं दूसरे कार्य को निपटाती हूँ। अब उसे क्या पता भगवान कैसे खाते हैं। इतना कह के कर्मा चली गई, झाड़ू लगाने लगी, अपने काम में मगन हो गई। थोड़ी देर में आकर के देखती है कि भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं, जैसे कि तैसे थाली रखी है। कर्मा बड़ा दुखी हो गई और वहीं प्रतिमा के सामने आकर के शांति से बैठ गई। बोली, प्रभु इस भोग को ग्रहण कीजिए, अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं वो करती हूँ। अब भगवान बोलते थोड़ी ना है। कर्मा ने कहा, शायद घी कम होगा। घी उठा के लाई, घी और डाल दिया। बोले, प्रभु अब तो ग्रहण कर लीजिए। अब तो कर्मा बड़ी दुखी। बोली, आज खुद भी खाना ही नहीं खाया, सुबह से लेकर शाम हो गई। कर्मा उदास होके बैठी है कि प्रभु भोग लगाएं, तब मैं भी खा लूं, भगवान ने नहीं खाया। तभी कर्मा शांत होकर बैठ गई और दहलीज पे बैठ करके अपने सिर को पटकने लगी। भगवान को दया आ गई। बोले, तो बालिका है, सिर को फोड़ लेगी, प्रभु तो प्रभु। कर्मा की इसको देख करके प्रभु की आवाज़ आई प्रतिमा में से, कर्मा अब पर्दा डालिए, फिर मैं भोग ग्रहण करता हूँ। कर्मा ने देखा कि कहीं तो कोई है नहीं, आवाज़ कौन लगाया। तो बोला, भगवान ये बात आप सुबह से ही बोल देते, खुद भी भूखे रहे, मेरे को भी भूखा रखा। अब पर्दा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद कर्मा ने पर्दा हटा के देखा तो थाली खाली हो चुकी थी। अब तो कर्मा बाई के खुशी का ठिकाना ना रहा। थाली को उठाया प्रभु के सामने से और अपने लिए जो खिचड़ी रखी उसका भोग ग्रहण किया। इस तरह से प्रतिदिन का उसका नियम बन गया, खिचड़ी पकाती और भगवान को भोग लगाती, और कुछ पकाना नहीं आता था। ऐसे करते काफ़ी समय बीत गए, काफ़ी दिन हुए। कर्मा की भक्ति बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब तो कर्मा की रुचि और बढ़ी, श्रद्धा से प्रतिदिन जल्दी उठती और झाड़ू पोछा सफाई करती, फिर खिचड़ी पकाती, लेकिन काफ़ी विलंब हो जाता था। तो कर्मा ने सोचा कि अब से भगवान को भोग पहले लगाऊंगी, उसके बाद दूसरे काम करूंगी। तो बिना नहाए धोए सफाई किए बिना कर्मा खिचड़ी पकाती और भगवान को भोग लगाती। कर्मा बाई की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और बिना नहाए धोए भगवान की खिचड़ी पकाती, अपने दांतों को साफ करती।
तो इतने सहज सरल भोली भाली, जिससे दांत साफ करती, उसके पीछे वाले भाग से नीम की लकड़ी उसी से खिचड़ी को भी घुमाती। अब उसको नहीं पता कि भगवान का भोग पवित्रता से पकाना चाहिए, अपने सहज भाव से खिचड़ी पकाती। लेकिन भगवान कभी कोई प्रश्न नहीं, उसके भाव से खिचड़ी में जो स्वाद आता था भगवान को, जो 56 भोग बनते उसमें भी ना आता होगा। ऐसे काफी समय बीता। घर का सारा काम करती पिता के कहे अनुसार। कुछ समय बाद पिता उनके जीवनराम, राजस्थान के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, राजस्थान की बालिका। पिता वापस लौट आए तीर्थ यात्रा करके, और कर्मा से आके मिले, बड़े प्रसन्न हुए। सारी तीर्थ में जो जो किया सब कर्मा को सुनाया, और कर्मा बाई की जब बात सुनी तो कर्मा बोली, भगवान को मैं डेली भोग लगाती और प्रभु श्रद्धा से खिचड़ी खाते हैं और पूरी थाली खाली कर देते। जब ये बात उनके पिता ने सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बोले कि बेटी, मैं तो सारे तीर्थों का भ्रमण कर आया कि भगवान के कहीं दर्शन होंगे, लेकिन मेरे घर में साक्षात परमात्मा विराजमान है। आज तेरे जैसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया। यानी बेटी हो तो ऐसी जो माँ बाप को धन्य करे, दोनों को लोक उतारती है, ससुराल पक्ष को भी और मायके वालों को। बेटियाँ होती ही श्रेष्ठ है, उत्तम होती हैं। जिस घर में जाती हैं वहाँ रौनक आती है, जिस घर में बेटी नहीं वो सूना घर होता है। तो ऐसे ही कर्मा बाई परम भक्ता। समय बीतता रहा, पुत्री और पिता दोनों बड़े भाव से रहते, भगवान को भोग अर्पण करते। अब उनके पिता ने सारी जिम्मेदारी कर्मा को सौंप दी कि आज से भगवान की जो भी भोग लगाने की व्यवस्था है आप ही करना। अब भगवान की परम भक्ता कर्मा बाई ऐसी बेटी को पाके जीवर राम जो थे धन्य हो गए। कुछ समय पश्चात उनका शरीर जो था छूट गया। अब तो कर्मा बाई बड़ी दुखी, कोई नहीं, गरीब थी, छोटी सी बालिका। पिता का शरीर छूटने के बाद कर्मा का मन न लगा, घर में अकेली रह गई। कर्मा बाई ने विचार किया, वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ी, घर को छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में जा कर के भगवान का ध्यान भजन करने लगी। मंदिर में जा कर के प्रभु के सामने रोने लगी कि प्रभु, अब इस दुनिया में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। अब तो घर में क्या ही लौटना था कर्मा को, तो मंदिर के पास ही कहीं जगह मिला, वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और कर्मा बड़े भाव से उस झोपड़ी में रहती, सफाई करती और सारी व्यवस्था कर लिया। छोटा सा पात्र, उसमें प्रभु के लिए खिचड़ी पकाती थी आराम से, मगन होकर के, सफाई किए बिना। तो खिचड़ी पका के भगवान को भोर अर्पण करती, उसके बाद दूसरे काम, ये नियम था कर्मा जी। बाजरे की खिचड़ी पकती, बड़ी स्वादिष्ट। अब भाव से भगवान को भोग अर्पण करे और भगवान ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। जब कर्मा भगवान को भोग अर्पण कर दी, उसी समय झाड़ू लगा रही थी, एक छोटा सा बालक आया और कर्मा के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ लगाने लगा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माँ ने आवाज़ सुनी, कोई बच्चे की आवाज़ है। ये बात सुन के कर्मा बाई बाहर आई और उसको बालक को अंदर ले आई, श्रद्धा से बिठाया, उसको जो खिचड़ी भगवान को भोग में अर्पण किया वो परोस थी। बोली, खा ले बेटा जी भर के। बोला, आपकी खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट है माँ। बोले, ठीक, कि मैं प्रतिदिन खाने आ सकता हूँ। बोले, डेली आ सकते हो आप, मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ, आप भी आ करके खा लेना। अब कर्मा बड़ी हो चुकी थी। कर्मा बाई का नाम वास्तव में कर्मा नहीं था, कुछ और ही नाम था उनका। भगवान जब भोग ग्रहण करने आते तो जल्दी कर्मा ये शब्द बोलते थे उनको, इसलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ गया था। तो कर्माबाई वो बच्चा भोग लगाया और माँ के झोपड़े से बाहर निकल के, कोई बालक और नहीं, साक्षात प्रभु एक छोटे से बालक के रूप में कर्माबाई के झोपड़े में प्रतिदिन आते। तो कर्माबाई के घर में वो झोपड़े में छोटा सा बालक प्रभु हर रोज भोग ग्रहण करने के लिए आते। और कर्मा बाई का प्रतिदिन का नियम था कि प्रभु को विलम्ब नहीं होने चाहिए, इसीलिए पहले भोग तैयार करना खिचड़ी का, उसके बाद दूसरे काम करती थी। ऐसे ही हर रोज का नियम बन गया। एक दिन कर्मा बाई ऐसे ही भगवान के लिए भोग पका रही, इतनी लीन थी भगवान के ध्यान में काम करते करते कि खिचड़ी जो चूल्हे पे चढ़ी थी उसको इकट्ठा करना भूल गई, उसको हिलाना जो था खिचड़ी को भूल गई कर्मा जी लीन। जब कर्मा बाई को जलने की महक लगी तो उसका एकदम से ध्यान खिचड़ी की तरफ गया
और आंसू आ गए आंख में कि आज मैं भगवान को कैसे भोग अर्पण करूंगी। खिचड़ी तो जल गई और प्रभु बड़ी जल्दी में होते हैं, वो रुकेंगे भी नहीं कि मैं दूसरी खिचड़ी पका सकूं। भगवान का प्रतिदिन का नियम, अपने नित्य टाइम से पहुंच गए। फिर से आवाज़ लगाई, माँ भूख लगी है, जल्दी से भोग लाइए। अब तो कर्मा बाई सोचे खिचड़ी दूँ तो दूँ कैसे, ये तो जल चुकी है। तो कर्मा ने सोचा कि खिचड़ी तो जल गई, मैं दूसरी पका लेती हूँ। तो प्रभु बोले कि जैसा भी है आप दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। कर्मा बाई बोली थोड़ी देर रुक जाओ, दूसरी खिचड़ी पकाती हूँ, ये तो जल गई है। अब कर्मा बाई दूसरी खिचड़ी पकाने लगी, इतने में भगवान वहाँ से चले गए, भूखे ही चले गए। अब प्रभु को भोग भी नहीं लगा। अब तो कर्मा बाई बहुत दुखी, अत्यंत दुखी हो गई और प्रभु के लिए अब ठान लिया, कुछ हो ना हो पहले भोगी बनेगा। ऐसे करके एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। कर्मा बाई अपनी धुन में काम करती थी। कई लोगों का काम करने का होता है, कभी इधर कभी उधर देखेंगे। कर्मा बाई का चित्त अपनी खिचड़ी में ही लगा रहता था कि अब कभी दोबारा खिचड़ी जल नहीं चाहिए। तो वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान का भोग बना रही है और जिस दांत साफ करती दातून से उसी के पिछले हिस्से से खिचड़ी को घुमाती थी। ये दृश्य महात्मा देख रहे थे। महात्मा से रहा न गया, बोली कर्मा तुम्हारी भक्ति भाव तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान को भोग कैसे अर्पण करते हैं। पहले सफाई की जाती है, स्वच्छता की जाती है, उसके बाद स्नान करके फिर भगवान को पवित्र भाव से भोग बना के ग्रहण कराते हैं। कर्मा बोली जो आज्ञा बाबा, आज से मैं ऐसे ही करूँगी। अब तो कर्मा बाई महात्मा के कथन अनुसार स्नान करती, सफाई करती, चौका भी पोताई करती, उसके बाद खिचड़ी पकाती। ऐसा करते करते कर्मा को बहुत विलंब हो जाता था, प्रतिदिन का नियम। तो बोली अब प्रभु के लिए कैसे भोग बनाऊं, ये तो विलंब हो जाती है और भगवान भूखे ही चले जाते हैं। कर्मा को भगवान आए, खिचड़ी अभी पकी नहीं। बोली प्रभु थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं अभी भोग बनाती हूँ। तो भगवान बोले आज आपको विलंब हुआ कैसे, कुछ तो कारण जरूर है, आप बताओ आपको देर कैसे हुई। अब कर्मा जो भी महात्मा आए सारा वृतांत सुना दिया। बोले एक बाबा आए थे, वो बोले कि भगवान को भोग लगाने से पहले स्वच्छता बहुत जरूरी है, सफाई करो, स्नान करो, उसके बाद प्रभु को भोग लगाना। तो बाप सारी बात समझ गए कि नहीं। बोले ठीक है माँ, आज तो मेरा टाइम हो गया, अब तो मैं चला। मंदिर की घंटी जैसे ही बजती, प्रभु झोपड़े से निकल के सीधे मंदिर में जाके विराजमान हो जाते। अब तो कर्मा बाई बड़ी दुखी, कहती है मैं नहाऊँ, स्नान करूँ, सफाई करूँ, प्रभु तो डेली भूखे चले जाएंगे। अब तो भगवान को दया आ गई, बोले मेरी भक्त तो बेचारी भोली भाली, ये बाबा ने सारा काम बिगाड़ा है। तो भगवान को दया आई और महात्मा के पास पहुंच गए। बोले बाबा आप कर्मा बाई नाम की भक्त है, उसे क्या पट्टी पढ़ा के आयो। प्रभु छोटे से बालक के रूम में पहुंच गए। अब भाग्य देखो, अगर आपने भक्तों के चरण पकड़ लिए तो भगवान के दर्शन सहजता से हो जाते हैं। जैसे कि इस महात्मा को भी कर्मा बाई के पास पहुंचे, उसी के नाते प्रभु महात्मा के पास पहुंच गए, लेकिन महात्मा को पता नहीं कि ये भगवान है। अब प्रभु बोले कि आपने वो माँ को जो पट्टी पढ़ाई है उसको अब दोबारा पढ़ाने मत जाना, मेरी भोली भाली भक्ता इतनी श्रद्धा से मेरे लिए भोग बनाती, आपके चलते अब भोग नहीं बनाती, पहले सफाई करती है उसके बाद भोग बनाती है, डेली मुझे भूखे जाना पड़ता है। तो महात्मा ने क्षमा याचना की प्रभु से और अपने भाग्य की कर्मा बाई की प्रशंसा करते हुए आँखों से आंसू छल छल आ गए। एक कर्मा बाई के चरण में जाते ही महात्मा को प्रभु के दर्शन हो गए। तो भक्तों की अपनी महिमा है और भगवान ने कही भी है कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। अब कर्मा बाई के पास दोबारा फिर पहुँच गए। कर्मा बाई तो स्वच्छता के चक्कर में फिर से खिचड़ी लेट। तो भगवान को रोका कि प्रभु अब थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, बस खिचड़ी पकने वाली है। खिचड़ी तो पक गई, भोग भी अर्पण कर दिया भगवान को और प्रभु भोग लगा रहे हैं बड़ी श्रद्धा से बैठ के। अब जैसे ही भोग ग्रहण किया भगवान ने, कर्मा बाई बड़ी प्रसन्न, क्योंकि एक दिन तो भूखे चले गए प्रभु वो महात्मा जी के चक्कर में। अब खिचड़ी का भोग लगाया, कर्मा बाई की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लेकिन जैसे ही प्रभु भोग ग्रहण कर रहे थे उसी समय मंदिर का घंटा बज गया। प्रभु पूरी खिचड़ी खा न पाए, वैसे ही जो हाथ था भोग ग्रहण करते जूठा हाथ लेके मंदिर में विराजमान हो गए। अब मंदिर में महात्मा जी जो
सेवा करते थे पुजारी जी, उन्होंने देखा कि आज प्रभु के मुख पे ये खिचड़ी कैसे लगी है। अब खिचड़ी देखी भगवान के मुख पर, तो ये देख करके महात्मा बड़े दंग, सारे पुजारी जो भी सेवा करते मंदिर में, बोले खिचड़ी का भोग प्रभु को लगाया नहीं, इनके मुख पे खिचड़ी आई कहाँ से। किसी को पता नहीं कि भगवान की परम भक्ता कर्मा बाई यहाँ पर रह के भगवान को प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से भोग लगाती है। भगवान को जो 56 भोग पकते थे प्रभु के लिए मंदिर में, वो रस वहाँ नहीं आया जो कर्मा बाई की खिचड़ी में आता था। पुजारी जी के सपने में भगवान ने जाके बता दिया कि उनके मुख पे खिचड़ी कहाँ से लगी। पुजारी बड़े चिंतित। भगवान ने कहा मेरी एक परम भक्ता यहीं पर मंदिर के पास में रहती है कर्माबाई, उसी के द्वारा खिचड़ी पकाई जाती है, उसका भोग लगता है। सपने में से महात्मा को सपना दिया भगवान ने। मंदिर में पहुंचे पुजारी जी, राजा को बताया कि कोई कर्माबाई भक्त रहती है प्रभु की, वो हर रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है, तो वो हाथ मुँह धुलाना भूल गई और प्रभु मंदिर में विराजमान हो गए। अब कर्माबाई का चारों तरफ खोज मारे, कर्माबाई ना मिली। अब भगवान अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं। फिर से सवेरा हुआ, प्रतिदिन की भांति कर्मा की खिचड़ी पक रही है नहा धो करके। अब भगवान पे राजमान हो गए जाकर, बोले माँ खिचड़ी लाइए भूख लगी है। आज भी खिचड़ी में विलंब हर रोज का नियम ही बन चुका था। तो कर्मा बाई भोग लगा दी भगवान को, खा रहे हैं, मंदिर का घंट बजते ही प्रभु का नियम है, वहाँ भी पहुँचना जरूरी है, पुजारी जी विलंब हो जाएगा, ऐसे करके पहुँच गए। अब कर्मा बाई भगवान वैसे ही जूठा हाथ लेके फिर से पहुंच गए। कर्मा बाई से रहा ना गया, बोले एक दिन तो चले गए, आज तो इनका हाथ धुला के ही आऊँगी। पीछे पीछे जल का लोटा लिया और कर्मा बाई मंदिर की ओर दौड़ती जा रही है। जैसे ही कर्मा मंदिर में पहुंची, अब गरीब दीन दुखियों का कोई नहीं दुनिया में। आजकल देखा जाए तो सारे धनवानों का सब जगह बोलबाला, मंदिरों में भी VIPO की अलग लाइन लगती है। ये VIP आए भगवान के दर्शन इनको पहले होने चाहिए, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा नहीं। भगवान सबके हैं, सबके लिए उनका दरबार खुला है। कर्मा पहुंची लोटा लेकर के, सब ने रोक दिया पुजारियों ने कि तुम मंदिर के अंदर अभी नहीं जा सकते, प्रभु का भोग रखा है, उनको भोग अर्पण कराना है। अब तो कर्माबाई बड़ी दुखी और भगवान भी दुखी, कर्माबाई को घुसने ना दिया। कर्मा वापस चली गई बिना हाथ धुलाए। कुछ दिन के बाद कर्माबाई का शरीर पूरा हुआ। अब भगवान को खिचड़ी का भोग कौन लगाए, तो भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा था प्रतिमा से। पुजारी जी बड़ा घबराए कि कौन सी भूल हुई भगवान जो आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आंसू टप टप गिरने लगे भगवान की प्रतिमा से। पुजारी भी बड़े चिंतित, राजा भी बड़ा चिंतित। लेकिन भगवान ने राजा को भी सपना दिया, पुजारी को भी, कि मेरी परम भक्ता कर्मा बाई आज इस दुनिया से जा चुकी है। भले ही वो भगवान के धाम में गई, लेकिन इस संसार में प्रभु को खिचड़ी का भोग उस भाव से लगाने वाला अब कोई नहीं। उस रूप में कर्मा इस धराधाम पे ना दिखेगी, तो भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं। पुजारी जी को जो सपना वही राजा को भी आया, मंदिर में दोनों मिले और बोले कि भगवान ने ऐसे सपना दिया है कि कर्मा बाई जो राजस्थान की परम भक्ता बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती, अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भगवान को पहला भोग जो है खिचड़ी का लगाया जाता है, ताकि भगवान को कर्माबाई की कमी ना खले। वहाँ की मंदिर की अपनी महिमा है। तो ऐसी पावन परम भक्ता, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करके हमारा अंत्यकरण भी पवित्र पावन होता है। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ, अगले अंक में फिर मिलेंगे। ॐ शांति 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 ही, ॐ श्री परमात्मने नमः।